नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बिहार में बवाल मच गया। हालांकि सरकार ने परीक्षा को तो रद्द कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बीपीएससी की बद पीट गई है। आपको बता दें कि अब बीपीएससी दूसरी परीक्षा लेने जा रहा है, यानी कि कल सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, जो कि बीपीएससी के तहत ही होता है। और इसे लेकर के अब पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और लगातार जिला प्रशासन, जो डीएम एसपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और आयोग के चेयरमैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं, ताकि आने वाले परीक्षाओं में कोई दिक्कतें ना हो, फिर से ऐसी पेपर लीक जैसी समस्या ना हो, इसको लेकर के पुख्ते इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और सेंटर की बात भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ सेंटर पड़े हुए हैं और अब इस एग्जाम में क्या क्या चीज ले जाना अलाउ है, क्या क्या चीज ले जाना अलाउ नहीं है, उन सब के बारे में भी हम आपको आज विस्तार से जानकारी देंगे। तो बता दें आपको कि 15 मई को होने वाले इस परीक्षा के लिए राज्य भर में 21 जिलों में 320 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 55 सीटों के लिए 1,82,000 आवेदन हैं। पटना जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे 19,685 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। साथ ही अगर हम परीक्षा के समय की बात कर लें, तो परीक्षा का समय 12 बजे से 2 बजे तक होगा, लेकिन परीक्षा केंद्र में एंट्री 12:15 तक दी जाएंगी। इसलिए अभ्यर्थी इस बात का ख्याल रखें कि 10:30 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। परीक्षार्थी की एंट्री 10:30 बजे से शुरू हो जाएंगी और 12:15 तक रहेंगी। 12 से 2 एग्जाम चलने वाले हैं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार किन किन चीज़ों पर पाबंदियां लगने जा रही हैं, आप क्या क्या चीज़ लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएंगे उन्हें इस बात की जानकारी अगर पहले से होगी तो वहाँ ज़्यादा दिक्कतें ना हो। इसके लिए हम आपको बता दें कि परीक्षार्थी बीपीएससी पीटी परीक्षा के तहत कलाई में घड़ी लगाकर केंद्र में ना जाएं, इसकी मनाही कर दी गई है। अब केंद्र में हर कमरे में दीवार घड़ी लगाने का निर्देश डीएम को दिया गया है। वहीं परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन जैसी किसी भी तरह की सामग्री नहीं ले जाने के बारे में बताया गया है। साथ साथ व्हाइटनर, ब्लेड या इरेजर भी नहीं ले जाना है। साथ में पाए जाने वाले उम्मीदवारों को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि इन सब चीज़ों के साथ अगर आप जाते हैं तो फिर वहां पर आपकी उम्मीदवारी रद्द, यानी कि फिर आपको पेपर नहीं मिलेंगे या पेपर छीन लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको लेकर नहीं जाना है अंदर, इसके लिए पहले से ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। और इस बार क्योंकि बीपीएससी के पीटी की जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो गए थे, जिसके बाद बहुत बवाल हमें देखने को मिला, आयोग पे भी सवाल उठने लगे, प्रशासन पे भी सवाल उठने लगे। और इसीलिए अब जब बीपीएससी दूसरे एग्जाम को लेने जा रहा है, यानी कि सीडीपीओ का एग्जाम लेने जा रहा है, तो कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। आपको ये भी बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के डीएम एसपी के साथ राज्य के चीफ सेक्रेटरी और आयोग के चेयरमैन को जरूरी निर्देश भी दिए गए कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और बिना किसी पेपर लीक के, यानी कि बिना किसी इस तरीके की काम के करवाया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो, अच्छे से एग्जाम हो, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके के जो सवाल हैं जो आयोग पे लगे हैं वैसी स्थिति ना बने, क्योंकि एक बार गलती हो गई है और दोबारा ये गलती बीपीएससी दोहराना नहीं चाहती है। और शायद इसीलिए पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े बड़े पदाधिकारियों से बातचीत की जा रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम में कोई भी चूक इस एग्जाम में होनी नहीं चाहिए। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।